मधेपुरा के डीएम मीना साहब की गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ और मजदूरों की जो मृत्यु हुई, उस पर डीएम साहब का जबान नहीं खुल रहा है, जबान पे ताला लगा हुआ है। अब तक सियासी बयान होता तो तुरंत उनकी बयानबाजी स्टार्ट हो जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीते दिन मधेपुरा डीएम की गाड़ी की सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर अब भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही मधेपुरा डीएम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अरविंद सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अब तक ये कुछ क्यों नहीं बोल रहे, इनकी गाड़ी से 3 मजदूरों की मौत हुई है और इन्होंने चुप्पी साध रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे इनके जुबान पे ताला लगा हुआ है। कोई सियासी बयानबाजी होती तो ये तुरंत बयान देने लगते, तुरंत कुछ ना कुछ जवाब देते, लेकिन इनकी गाड़ी से 3 लोगों की मौत हो जाती है और ये अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। किस तरीके से निशाना साध रहे हैं भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह, ये हम आपको पहले सुनाते हैं। मधेपुरा के डीएम मीना साहब की गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ और मजदूरों की जो मृत्यु हुई, उस पर डीएम साहब का जबान नहीं खुल रहा है, जबान पे ताला लगा हुआ है। अब तक सियासी बयान होता तो तुरंत उनकी बयानबाजी स्टार्ट हो जाती। सरकार जो है, डीएम साहब आपको कुर्सी दिया है इसलिए कि आप जनता के साथ न्याय कीजिए, आप जनता का जिस तरह से दुर्घटना हुआ है उस पर आपका जबान नहीं खुल रहा है, आप पीड़ित परिवारों को मुआवजा दीजिए और आप पर जो है मर्डर का केस होना चाहिए, चूंकि अभी तक आपने कुछ बोला नहीं है और जिस तरह की घटनाएं घट रही है यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हेलो, मधेपुरा जीएम की गाड़ी की सड़क दुर्घटना में 3 मजदूरों की मौत हुई है, जिसको लेकर अब तक डीएम का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, जिसको लेकर भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह जमकर निशाना साधते नजर आए, डीएम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, 3 मजदूरों की मौत हो गई, फिर भी आपने अब तक चुप्पी क्यों साध रखी है, आपकी जुबान पे ताला क्यों लगा है, कोई भी बयान अब तक सामने क्यों नहीं आया। अरविंद सिंह का कहना है कि जो जनता है उसी ने आपको कुर्सी पर बैठाया है और आपका काम है कि आप उस जनता के साथ न्याय कीजिए, उन मजदूरों को मुआवजा दीजिए। अरविंद सिंह का कहना है कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी डीएम साहब ने चुप्पी क्यों साध रखी है, ये कुछ क्यों नहीं बोलते। अगर कोई सियासी बयानबाजी होती तो अब तक इनके कई बयान सामने आ चुके होते, लेकिन अब जब इनकी गाड़ी से दुर्घटना में 3 मजदूरों की मौत हुई है, ऐसे समय में इन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है, इन्हें जनता के साथ जिन मजदूरों की मौत हुई है उसके साथ न्याय करना ही होगा, उन लोगों को मुआवजा देना ही होगा। किस तरीके से बिहार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, साथ ही डीएम को सवालों के घेरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।